HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए हम इस वक्त हैं जवाहरलाल नेहरू पार्क के बाहर और ये पार्क के बाहर का दृश्य है और यहाँ आपको बना हुआ शौचालय दिखाते हैं। ये शौचालय अभी हाल ही में बनाया है प्रशासन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत और आपको ये स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके का शौचालय है। ये भैया सोच होकर के आए हैं। आप शौचालय देख के आए, क्या हालत है शौचालय की बताएंगे कुछ? गंदगी ज्यादा हो रही है उसमें, गंदगी हो रही है। लोग शीट वीट तोड़ के लेके, देखिए आप लोगों ने कहाँ करके आए टॉयलेट, आप गंदगी हो रही है, गंदगी हो रही है। आप भी यहीं खड़े देख रहे हैं, आप शौचालय की हालत है, आपने देखी कैसी है? यहाँ अंदर नहीं गए, अंदर जाके नहीं, बाहर से आपको लगता है अंदर जाने का रास्ता है शौचालय में? हाँ रास्ता दिखाई दे रहा है। कैसा है, साफ सुथरा है? कैसे यहाँ पे तो पानी भरा हुआ है, ये बारिश हुई थी अभी। अच्छा अंदर आप हमारे साथ आएंगे, वे शौचालय का हालत दिखाएंगे लोगों को, आओ एक बार देखते हैं। चलो देखिए हमारे साथ ये शख्स है, हम इसके थ्रू आपको दिखाएंगे कितनी यहाँ, और ये नारा लिखा हुआ है स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, यानी कि आपको दिखाते हैं अब ये शौचालय जो बनाया है वो आपको दिखाते हैं। ये बाहर से दृश्य है, आप ये देख सकते हैं, ये शौचालय का दृश्य है। यहाँ वास्तुशन जो लगे हुए थे वो तोड़ गए हैं लोग बाग, बनाया प्रशासन ने, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके का यहाँ शौचालय बनाया जा रहा है और उसकी क्या व्यवस्था यहाँ करनी है। आप ये देख सकते हैं, ये शौचालय का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें दो लैट्रिन की शीट भी लगवाई गई है, उसका भी आपको हालात दिखाते हैं किस तरीके से। ये देखें क्या ये हालात और स्थिति है, बड़े बड़े पत्थर आपको मिलेंगे, तमाम चीजें यहाँ तोड़ दी गई है। हमारे साथ वो शख्स भी है ताकि कोई ये ना कहे कि बनावटी खबरें, ये हालात देखिए शौचालय का। प्रशासन ने बनाने के बाद इस शौचालय की सुधि नहीं ली और दावे किए जाते हैं स्वच्छ भारत अभियान, और एक नसीहत दी जाती है तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कहीं ना कहीं, ये देखिए वास्तुशन में कितना बड़ा पत्थर यहाँ लोग डाल के चले गए, तोड़ के चले गए, इसकी टूटी उठी सब जितनी जो थी सब उखाड़ करके ले गए हैं यहाँ से। आप किसी भी हाल में नहीं कह सकते कि ये कोई शौचालय है, लाखों रुपया प्रशासन ने खर्च किया, सरकार ने खर्च किया स्वच्छ अभियान के नाम पर। कैसा ये स्वच्छ अभियान है ये अब स्वयं उनकी जवानी सुनेंगे। अब आपने देख लिया हालत कैसा है, ये देख लिया, क्या कहेंगे? ऐसे शौचालय होते हैं कहीं? नहीं ऐसे तो नहीं होते, प्रॉपर रख रखाव और मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा, प्रॉपर साफ सफाई नहीं हो रही है। आपको लगता है ये शौचालय अगर बनाने के बाद किसी स्वीपर के अधीन किया जाता है या इसमें 2-3 रुपए फीस रखी जाती, बिल्कुल इनकम भी आती और एक यानी कि ये इसकी केयर भी होती? हाँ वो जायज होता, जायज होता, वो जायज होता। तो देखिए ये शख्स बाहर यहाँ खड़े थे, इसके साथ साथ एक बात और बोलना चाहूंगा, आमजन को भी सहयोग करना चाहिए, जो ये नले वगैरह चोरी हुई है इसको लेके आमजन को भी सोचना चाहिए, उनको भी अच्छे से सरकार ने कोई चीज बना के दी है अच्छे से यूज करना चाहिए, यूज करना चाहिए जाहिर बात है। लेकिन आपको बता रहे हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ दारू की बोतलें यहाँ हैं, कहीं ना कहीं ये शौचालय जो दारू पीने वाले हैं उनका अड्डा ये बन गया, वो यहाँ दारू पीते हैं और ये आप देख सकते हैं ये खाली बोतलें यही वो पटक करके चले जाते हैं। ना इसके कोई दरवाजा है, ना इसका कोई रख रखाव है, ना इसको कोई चीज ये अधीन किया गया है, इसका 2-4 रुपए इसका फीस रखी जाती, लोग इसका केयर भी करते और कहीं ना कहीं इसको देख पाते संभाल पाते। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान की है। ये बाहर आप देख सकते हैं बनाने के लिए कोई आने का रास्ता नहीं बनाया गया, बाहर पानी भरा पड़ा है। ये ऐतिहासिक पार्क है यहाँ जवाहरलाल नेहरू पार्क, और ये हालात और स्थिति हमने आपको दिखाई, इन भैया की आपको जवानी भी सुनाई किस तरीके का। ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि इस तरीके का हमारे देश के शौचालय, क्या आपको एक शर्मिंदगी होती है इस तरीके का हालात देख करके? जी थोड़ा सोचने पे तो मजबूर होता है बंदा कोई भी हो, ठीक है एक अच्छे शहर में रह रहे हैं, नगर परिषद है शहर में, ठीक है प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं लोग बाग प्रॉपर, तो उनसे उम्मीद की जाती है वो कुछ लोगों को बेहतर मुहैया कराएं। तो देखिए और आपको बता दें साथ ही ये तमाम आप देख सकते हैं पार्क के बाहर किस तरीके से अवैध कब्जे किए गए हैं, यहाँ नारियल की आपने देखी स्टार लग रही है, तमाम जो जितना फुटपाथ है वो तमाम रोका हुआ है, ग्रीन बेल्ट जिसको कहते हैं वो तमाम यहाँ कब्जा किया हुआ है, लोगों ने अपनी अपनी दुकानें यहाँ लगा के बैठे हुए हैं। कोई ये फुटपाथ आप देख सकते हैं किस हालात और स्थिति के अंदर है। पार्क में लोग आने वाले सोचते हैं कि हम पार्क में घूमने जा रहे हैं, पार्क में कुछ हमें साफ सुथरा मिलेगा, लेकिन जो हालात और स्थिति है वो हमने आपको दिखाई, और कहीं ना कहीं एक शर्मसार करने वाला ये शौचालय, देखिए ये शौचालय बनाया है, कितना बाहर से देख करके लगता है शौचालय, लेकिन अंदर जब आप जाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा
कि आप किस तरीके से वहां घुस के सोच जाएंगे और किस तरीके का हालात है। एक देखिए शख्स जा रहे हैं, ये कोशिश करते हैं, ये देखिए लोग आ रहे हैं, ये लेडीज वाले शौचालय में भी जा रहे हैं। क्या हालात और स्थिति है शौचालय की बताएंगे? यह बहुत गंदगी पड़ी है, शौचालय में जाने की इच्छा नहीं होती है। अच्छा, और न पानी की व्यवस्था है, न वहाँ कुछ व्यवस्था है। टंकी लगाई गई है पानी की यहाँ पे? टंकी में पानी नहीं है, टंकी का क्या फायदा है लगाने। लेकिन लाखों रुपए खर्च कर दिए होंगे इसके ऊपर शौचालय बनाने पे, आपको लगता है शौचालय बना है ये कहीं? ये इसका रख रखाव होना चाहिए था इसका। बाहर से लग रहा है शौचालय, अंदर से तो खाली है, बिल्कुल खाली। हाँ, अंदर कोई नहीं है। तो देखिए ये वो भाई है जो भी यहाँ शौचालय गए थे, और देखिए किस तरीके की ये स्थिति यह है। अपने आप में कहीं ना कहीं प्रशासन को भी शर्मिंदगा करती है, शर्म यानी कि आ जाती है जो भी यहाँ आता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ तमाम जो चीजें की गई, ये पार्क भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यह पार्क बना हुआ है। लेकिन उसी की एक आवाज उठी थी कि बाहर पार्क में आने वाले लोगों को शौच बाथरूम वगैरह जाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, वो करवाई गई। और कैसी व्यवस्था और कैसा पार्क बनाया गया आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ हालात और स्थिति है। ये भैया देखिए ये बाथरूम करके आए हैं, अब बताएंगे बाथरूम करके आए कैसा हालात यहाँ शौचालय का है? सर बहुत ज्यादा हालत खराब है, टूटे हुए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, अंदर शराब का अड्डा बना हुआ है मेन, एक ना कोई पानी की व्यवस्था है ना कुछ है। लेकिन वहाँ गंद टॉयलेट किया तो खड़ा भी ना रहेगा, इतनी बदबू आ रही है, कोई सफाई नहीं है कुछ भी, कुल मिला के व्यवस्था ठीक नहीं है इसकी। आपको लगता है जब ये बनाया किसी एक स्वीपर के अधीन कर देते या 2 रुपए 1 रुपए फीस रख देते? एक रुपए 2 रुपए क्या 5 रुपए भी अगर लेते बहुत अच्छा। बाहर की हालत देखी है, आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, कीचड़ है, कोई वृद्ध महिला आए वो कहाँ आए, वो पैसे फिसल के गिर जाए, हाथ पैर टूटने की संभावना। पानी आ रहा है इसमें आपने? कोई पानी नहीं आ रहा अंदर, आप हालत देखे, दारू के पौवे पड़े हुए हैं इस टाइम, बहुत हालत ज्यादा खराब। शर्म आती है आपको देख करके? खुद को शर्म आती है, हम टॉयलेट करने आ रहे हैं, शर्म आती है यहाँ पे। तो देखिए कहीं ना कहीं ये स्टोरी दिखाने का मकसद था कि किस तरीके का ये शौचालय जो बनाया, और क्या जो बनाने वाली जो विभाग है नगर परिषद है, क्या वो ऐसी कुंभकर्णी नींद सोई हुई है? इस टाइम दावे किए जा रहे हैं कि रेवाड़ी में विकास करवाया जा रहा है, कैसा विकास है? ये विकास हमने आपको दिखाया किस तरीके से घोटाला यानी कि भ्रष्टाचार आज भी दर बदर दस्तूर जारी है, और यानी कि सुनने वाला कोई नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। पानी की टंकी देखिए आपको दिखाते लगाई गई थी, इस पानी की टंकी में पानी नहीं है, सप्लाई नहीं है, तमाम जो चीजें हालात और स्थिति हमने आपको दिखाई किस तरीके का ये शौचालय है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR News, रेवाड़ी।